हेलो एवरीवन वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो अपना सेकंड चैप्टर है इलेवंथ का जैसे कि तुम्हें पता होगा फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं कम्प्लीट ट्वेल्थ भी हम यहाँ पे कर चुके हैं तो अभी सेकंड चैप्टर करने वाले हैं तो इस वीडियो को तुम्हें लास्ट तक देखना है लास्ट में इसके जो क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं तो बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक scientific... प्रोसीजर होता है इसमें क्या करते हैं हम एनिमल्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं इन टू द ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटी कि क्या उनमें समानताएं हैं क्या भिन्नताएं हैं उनके बेसिस पे हम इनको क्लासी कर देंगे इसी को बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन ए हायर की ऑफ कैटेगरी कंप्लीट हायर की मीनिंग को अरेंज करते हैं किंगडम सिस्टम किंगिकेशन क्या था कितने किंगडम सिस्टम आए थे सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम था देन थ्री किंगडम एंड देन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम आया था उसमें क्या क्या बोला गया था कि प्लांटी और एनिविलिया दो किंगडम्स होते हैं थ्री किंगडम सिस्टम में बोला गया कि प्लांटी, प्लांटी प्रोटिस्टा एन एनिमिलिया तीन किंगडम सिस्टम है एंड देन फाइव किंगडम सिस्टम आया है अभी इससे नेक्स्ट भी कोई आ सकता है देन इसमें बोला गया था कि मोनेरा प्रोटिस्टा फनजय प्लांटी एनिमिलिया ये फाइव किंगडम सिस्टम है देन यहाँ पे की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में बिल्कुल यहाँ पे जो पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं वहीं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये भी एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको लास्ट तक तुम्हें देख लेना है तो इसको अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो फाइलोजेनी क्या होती है फाइलोजेनी इज द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एंटायर रेस एंटायर रेस होगी उसकी जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री होगी कि कैसे ये डेवलप होया उसको बोलेंगे फाइलोजेनी एंड जो हैकल था प्रपोज किया था उसने कंसेप्ट ऑफ द फाइलोजेनी हैकल ने दिया था यहाँ पे कंसेप्ट इसका द ट्रम मोनेरा वॉज फर्स्ट यूज बाय दोग डोगी एंड एलन ने सबसे पहले ट्रम मोनेरा को जो है यूज़ किया था टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि साइड अगर हम मूव करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रेंट डिस्कस कर लेते हैं मोनेरा के बारे में सबसे पहले डिस्कस करें तो जो किंगडम होती है वो इंक्लूड करते हैं सारे प्रोकैरियोट्स को जब भी सभी जो प्रोकैरियोट्स होंगे इसमें इंक्लूड होते हैं माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया ठीक है एक्टिनो माइसिटीज साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं इनकी करेक्टिस्टिक तुम्हें ध्यान रखनी है यूनिसेलुलर होते हैं प्रो होते हैं कंटेनिंग मोस्ट प्रिमेटिव ऑफ लिविंग फॉर्म सबसे ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं यहाँ पे द सेल्स और माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स होते हैं

रिकम्बिनेशन को छोड़ के यहाँ पे एसेक्चुअल होने वाला फ्लैजिला प्रेजेंट हो, हो भी सकता है और आर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड भी है हो सकता है एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसके एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है वो तुम याद रखने हैं ब्लू ग्रीन एलगी एंड बैक्टीरिया एंड इसके साथ साथ जो भी एनसीआर की जो लाइन्स है वो तुम्हें अच्छे से पढ़ लेनी है बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो सेप्स कौन से कौन से शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं कोकस मतलब कि स्पैरिकली राउंड है स्पारल मतलब स्पारल है या फिर कोल्ड शेप है बैसिलस के बारे में बात करें तो ये रोड शेप होगा विब्रियो जो होगा वो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्यू से तो यहाँ पे आर की बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो आर्की बैट बैक्टीरिया क्या होते हैं आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रीमेटिव प्रोकैरियोट्स ये मोस्ट प्रीमेटिव प्रोकैरियोट्स का कंप्लीट एक ग्रुप होता है

टेनोगलाइक नहीं होते हैं इनकी वॉल में द मैथेनोजेंस आर रिस्पॉसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस मिथेन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइक इन मिथेनोजेंस क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस का ठीक है मिथेन का प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो बैक्टीरिया के बारे में बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं ये कंटेन करते हैं रिजिड सेलवाल होती है इनकी अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास होता है फ्लैजिलम साइनोबैक्टीरिया फिर ब्लू ग्रीन एल आर द ग्राम पॉजिटिव फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ये फोटो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं दे कंटेन द क्लोरोफिल ए एंड द पे भी इनके पास जो है प्रेजेंट होते हैं एंड उसके साथ साथ ये यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल होती है एंड ये कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं तो इनकी कॉलोनीज बनी होती है कॉलोनियल होते हैं एंड उसके साथ साथ फिलामेंटस भी होते हैं एंड ये लिव करते हैं फ्रेश में भी हो सकते हैं मैराइन में भी हो सकते हैं एंड टेरेस्टियल में भी हो सकते हैं सम समुपद में स्पेशलाइज्ड हीट्रोसाइट सेल टू परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है कईयों के पास हीट्रोसाइट सेल्स होती हैं जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नोस्ट्रोक एंड एन, एनाबीना जिसके एग्जाम्पल है जो कि काफी बार नीट में पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हें याद रख लेना है यहाँ पे अगर हम बात करें कीमोसेंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में कीमोसेंथेटिक जो बैक्टीरिया हो वो ऑक्सीडाइज करेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लाइक नाइट्रेट्स हो गया नाइट्राइट हो गया एंड अमोनिया इनको वो क्या करता है इनका ऑक्सीडेशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज़ करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन फोसोरस एंड सल्फर ठीक है तो कीमोसेंथेटिक जो भी बैक्टीरिया होंगे उनके फंक्शन तुम्हें याद रखने हैं कि ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनिया को उसके साथ साथ तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन फोसोरस एंड सल्फर में भी हेल्पफुल होता है हिटोसाइटिक बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड और उसके साथ साथ ये कर्ड का प्रोडक्शन करवाते हैं एंटीबायोटिक एंड फिक्स फिक्सिंग करते हैं नाइट्रोजन का इन लेग्यूमिनस प्लांट तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो तुम्हें एज इट इज याद रखना है इनकी ना कोई ट्रिक होती है ना कोई अगर तुमने याद कर लिया तो काफी तुम्हारे यहाँ से जो क्वेश्चंस देखने को मिलती हैं वो तुम इजीली सोल्व कर पाओगे तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ये पक्का से तुम याद कर लेने हैं माइक्रोप्लाज्मा के बारे में बात करें तो ये सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रो होते हैं एंड इनको जो है पी भी बोलते हैं काफ़ी बार इसे पीपीएलओ से एग्जाम जो मतलब क्वेश्चन जो आ जाता है एग्जाम में तो इसको पीपीएलओ बोलते हैं तो ये तुम्हें याद रखना है एंड जो ये क्या करते हैं लैक करते हैं सेल वॉल को एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करने की इनमें प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी डिस्टिंग यूज़ करती है इनको अदर से तो ये भी तुम्हें याद रख लेना सेकेंड अगर तो प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो इसमें होता है क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैज उगलिना मोल्ड एंड प्रोटोजान्स एंड इनकी यहाँ पे करेक्टरस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये सारे होते हैं आल यूनिसेलुलर होते हैं उसके साथ साथ ये कोलोनियल होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं ये तो तुम्हें पता ही होगा मोस्ट ऑफ देम जो होंगे वो एक्वेटिक फॉर्मिंग जो प्लैकटोन होते हैं एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये फोटोसेंथेटिक भी होते हैं सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक एंड होलोजोइक जो एक बी है उसके साथ साथ होते हैं फ्लैजिला के बारे में बात करें अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो अलेवन स्टैंडर्ड होता है विद नाइन प्लस टू की इसमें अरेंजमेंट होती है मतलब कि अरेंजमेंट जो तुमने किया होगा यहाँ पे कैसे अरेंज होते हैं फ्लैजिला उसमें इसकी जो अरेंजमेंट uh, होती है वो नाइन प्लस टू मतलब जो माइक्रो ट्यूबल्स होंगे वो कंपोज होते हैं इसमें ट्यूबलिन भी प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटीरियल जो होगा वो कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डी एन ए मोलिकल्स एक से ज़्यादा भी डी एन ए इसमें हो सकते हैं देन अभी डिस्कस करने वाले हैं जो भी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे प्रो के अंदर जो भी आते हैं उनके बारे में सभी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्राइसोफाइट्स के बारे में डिस्कस करें तो ये इनमें इंक्लूड होते हैं डाईटम्स गोल्डन एल्गी एंड फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में एज वेल एज मैराइन वाटर में भी ये पाए जाते हैं उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें इन एटम द सेल सेलवाल फॉर्म्स द दूथ इन आवर लेपिंग सेल जो सेल वाल जो है वो क्या बनाती है टूथ इन आवर लेपिंग सेल बनाती है विच सोप बॉक्स ये ऐसे हम आ, फिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ लाइक लाइकन सोप बॉक्स की तरह जैसे सोप बॉक्स में फिक्स हो जाते हैं सिली सिलिकिनस जो इन आ, इंडस्ट्री इंडस्ट्री बेचल याद रखना है कि इनको क्या बोलेंगे हम में अर्थ बोलते हैं इनकी वजह से अगर हम बात करें डायनोफ्लैजेट्स के बारे में तो डायनोफ्लेजिलेट बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं एंड उसके साथ साथ मोटाइल भी होते हैं बाईफ्लेजिलेट्स होते हैं एंड ये फोटोसेंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी होते हैं सॉरी प्रोटिस्ट भी होते हैं तो अगर हम बात करें प्री कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन है बट येलो ग्रीन एंड रेड एंड इवन ब्लू भी ये हो सकते हैं सम डायनोफ्लेजिलेट्स जिस जैसे कि अगर, अगर हम एग्जाम्पल दें जिम्नो जिम्नोडियम एटसेट्रा जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सी एंड मेक करते हैं वाटर लुक लाइक रेड तो इनको क्या बोलेंगे रेड टाइड भी बोलते हैं सो so, इनको बोलेंगे रेड टाइड ये भी तुम्हें याद रखना है डायमिट uh, एटमिस अर्थ किसकी वजह से होती है एंड रेड जो टाइड किसको बोलते हैं उगलेनोइड्स के बारे में बात करी जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हों तुम्हें याद रख लेने स के बारे में बात करें तो दे आर लाइक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं पोजेस करते हैं पैलिकल पेलीकल उनमें होता है इंस्टीट्यूट ऑफ सेल वाल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल पैलिकल होता है जिसकी वजह से जो है ग्लिनॉइड फ्लेक्सिबल होते हैं काफी अदर के कंपैरिजन में दे हैव हाँ टू फ्लैजिला वन वन एंड लॉन्ग एक छोटा एक बड़ा दो फ्लैजिला होते हैं एंड दे आर फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में एंड प्रेडेटर की तरह वर्क करते हैं इन अबसेंस ऑफ सनलाइट तो इनका यहाँ पे डबल रोल है वो भी तुम्हें यहाँ पे याद रखना है एग्जाम्पल है सो अगेन so मैं बोलूंगी जो भी एग्जाम्पल्स हैं जितने भी वो तुम्हें एनसीआर वाले याद रखनी है एक्स्ट्रा मॉड्यूल के एग्जाम्पल इस चैप्टर के नहीं याद रखने

कंडीशन के बारे में बात करें तो द सेल वाल ऑफ द स्पोर बीयर्स द सेलुलोज जो सेल वाल होती है जो इनकी जो स्पोर्स की जो सेल वाल होगी उसके ऊपर सेलुलोज प्रेजेंट होता है एग्जांपल तुम्हें एनसीआरटी अगेन एनसीआरटी वाले जो एग्जांपल हो याद रख लेने हैं प्रोटोजोन्स के बारे में बात करें तो जो भी प्रोटोजेंस होंगे वो हेटरोट्रॉप्स होंगे एंड लीव करेंगे एज अ प्रेडेटर ऑफ पैरासाइट प्रेडेटर की तरह ये लीव करते हैं एंड क्लासिफाइड जो होंगे वो तुम्हें अगर तुम ना भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा वैसे मैं बता देती हूँ अमीबोइड्स में करेंगे एग्जाम्पल है अमीबा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन सिलेटेड एंड स्पोरोजन्स में एंड स्पोरोजन का एग्जाम्पल प्लाजमोडियम सिलेटेड का पैरामीशियम है एंड जो तो ये तुम्हें याद रख लेना है फ्लैजिलेटेड का ट्रीपेनोसोमा है फंजाई के बारे में बात करें तो फंजाई जो होगी वो हाइड्रोट्रोपिक होगी उसके साथ साथ स्पोर फॉर्मिंग होगी एंड नॉन वेसिकुलरेटिक ऑर्गेनिज्म होती है एंड सेलवाल जो होगी इसकी मेडअप ऑफ ऑफ द काइटिन होती है एंड फंगल सेलुलोज से जो इसकी सेलवाल होगी वो बनी होती है अगर रिजर्व फूड की बारे में बात करें तो वो होता है ग्लाइकोजन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक एनसीम बायोटिक जो है इनका होने वाला है तो ये तुम्हें मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी के याद रख लेने हैं एंड इनके इनको याद रखने के लिए तुम्हें एक टेबल बना लेनी है जिसमें तुम्हें जो मेन मेन पॉइंट्स है कि सेलवॉल की से बनी हो जैसे एनसीआर टी के जो फ्रंट में दिखा रखा है जब तुम इस चैप्टर को पढ़ते हो तो थोड़े से उनमें टेबल जो है थोड़ी सी शॉर्ट है उसी टेबल को अगर तुम तुम बना सकते हो तो कॉपी में अपने बना लेना है एंड जो काफी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तुम्हें याद यहाँ पे एड कर लेने हैं जो यहाँ पे उसमें नहीं है एंड एग्जाम्पल भी वहीं पर

पंजाइज से काफ़ी बार पूछा जाता है सेक्सुअल साइकिल की जो होगी इन्वॉल्व करती है टू स्टेप्स में एंड एन ने इसको काफ़ी अच्छे से समझा भी रखा है तो ये कौन से कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है फॉलोइंग स्टेप्स को ये इन्वॉल्व करते हैं प्लाज्मोगी होगा सबसे पहले प्लाज्मोगी मतलब फ्यूजन होता है इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का सेकेंड होता है कैरियोगी कैरियोगी में फ्यूज़न होता है टू न्यूक्लियाई का एंड म्योसिस होगा इन जाइगो टू प्रोड्यूस दैप्लॉयड स्पोर तो ये तुम्हें याद रखना है काफ़ी

उसके साथ साथ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जू स्पोर्स के थ्रू एंड जो कि मोटाइल होते हैं एंड यहाँ पे अपलैनो स्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं एग्जाम्पल जो है तुम्हें अच्छे से याद रख लेना है एग्जांपल यहाँ पे है राइजो राइजोपस एंड इसके साथ साथ म्यूकस ये एग्जाम्पल है एनसीआरटी के एग्जाम्पल तुम्हें अच्छे से याद कर लेने हैं एसको माइसिटीज दैक फनजाई द सेक फनजाई क्या होती है द सेप्रोफाइटिक होती है उसके साथ साथ डीकम्पोजर्स होते हैं ये एंड पैरासाइटिक जो फनजाई होती है जो ग्रो करती है डंग पे एंड माइसीलियम होती है एंड ब्रांच होती है सेप्टेट होगी एंड एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे कोनिडिया पे तो तो ये सभी बातें हैं तुम्हें एक टेबल में लिख लेनी है सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलेंगे एस्कोस्पोर्स बोलेंगे प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प बोलेंगे एग्जांपल भी तुम्हें इनके जो एस्परजिलस है वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पे तुम्हें याद रख लेना है पैसिडियो माइसिटीज के बारे में बात करें तो ऑल्सो कार द क्लब फंजाई तो यहाँ पे जो माइसिम होगा वो ब्रांच होगा एंड उसके साथ साथ होने वाला है सेप्टेट यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इस बाय फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो है नहीं मिलते हैं सेक्शुअल जो होगा वो टू होगा वेजिटेटिव भी हो सकता है सोमेटिक सेल फॉर्मिंग बेसिडियम भी हो सकता है यहाँ पे बेसिडियम्स आर द प्रोड्यूस बाय बेसिडियो स्पोर्स जो होंगे वो बेसिडियम से प्रोड्यूस होंगे बाय डेवलपिंग ए फ्रूटिंग बॉडी ठीक बेसिडियोकार में एक फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होने से एग्जाम्पल होगा यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें टेरोमाइसिटीज के बारे में जिसको बोलते हैं फनजाई इम्परफेक्ट दो ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल फेज इज नोन इसी वजह से इसको बोलेंगे फंजाई इम्परफेक्ट उसके साथ साथ माइसीलियम जो होगा वो सेप्टेट होगा एंड ब्रांच होगा सम मेंबर सोफ स्पोरोफाइट्स और पैरासाइट्स एग्जाम्पल जो है तुम्हें एनसीआर जो है कर लेनी है अल्टर एरिया एग्जाम्पल होगा प्लांटी एंड एनिमिलिया से इस पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं क्वेश्चन आते हैं जो इनके स्पेसिफिक चैप्टर वहीं से आते हैं वैसे थोड़ा सा बता दें किंगडम प्लांटी में कौन कौन से इंक्लूड होंगे एल्गी, के बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं तो एनिमिली में हम एनीमि कौन से कौन से होते हैं हेट्रोट्रोपिक है, होंगे उसके साथ साथ यूकैरियोटिक होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होंगे एंड जो होगी प्रेजेंट होगी यहाँ पे सेल में तो ये तुम्हें याद रख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से तुम्हें जो याद रखना है तुम्हें पढ़ लेना वायरस वायरूट्स एंड लाइकंस के बारे में जो एन में दे रखा है बिकॉज जो वहाँ से जो ये आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ तो इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस क्या होते हैं आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म तुम्हें पता ही है जैसे कोरोना वायरस कितना फैल रहा है तो वायरस का स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए जानना कितना ज्यादा जरूरी है तो वायरस क्या होंगे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे हैविंग द इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग इन एडिशन टू द प्रोटीस के एडिशन uh, के रिगार्डिंग uh, मतलब प्रोटीन्स uh, तो कंपोजिशन के बारे में बात करें तो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ साथ इसमें पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है इन जनरल वायरस जो होता है दैट इम्पैक्ट द प्लांट्स हैविंग द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड जो एनिमल्स को करेगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेन करता है बैक्टीरिया जो होगी फीडिंग वायरस जो हो गए उनको बोलेंगे बैक्टीरियो फेज वायरोड्स जो गए किसने डिस्कवर किए थे इसके बारे में भी एन ने अच्छे से समझा रखा है टी और डिनर ने इसको डिस डि, डि, डिस्कवर्ड किया था ठीक है डिस्कवर किया था एज ए न्यू इन्फेक्टिव एजेंट दैट सिमिलर टू वायरस सिमिलर होता है वायरस को, को कोज कोज करता है यहाँ पे पोटेटो स्पिंडल ट्यूमर डिसीज ठीक दे आर द फ्री आर ए विदाउट द प्रोटीन कोट उसने बोला था कि जो वायरोड्स होते हैं वो फ्री आरअन ए होते हैं इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता लाइक लाइक क्या होते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एलगी एंड फंजाई का बना बनाया एसोसिएशन होता है एलगी जो होती है एलगी पार्ट इज कॉल फाइकोबायट एंड फंगल पार्ट इज कॉल द ट्रम्प प्रोटोजो किसने थी? गु, गु, दी थी गोल्ड फिश ने दी थी यहाँ पे ये भी तुम्हें थोड़ा सा याद रख लेना है अभी तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वही तुम्हें याद रख लेनी है लास्ट में बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया एन से जहाँ जहाँ से तुमने पढ़ना था वो भी मैंने दिया, and उसके साथ तुम्हें याद रख लेना है है कि study of को हम हम बोलेंगे virology, and amoeba जो होता है, place in salt water, अगर हम उसको salt water में place करते कर देते हैं तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है it, contractile जो होगा वो डिस हो जाता है ये भी तुम्हें थोड़ा बहुत याद रख लेना है तो आई थोड़ा तुम्हें समझ में आया